दोस्तों ये अभय सिंह चौटाला का हेलीकॉप्टर हेलीपैड पर पहुंचने वाला है। अब आज हबीब भवनगर जो कि इनेलो से प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में जनसभा करने के लिए आज हेलीकॉप्टर नगीना में बने हुए खेल स्टेडियम में पहुंचे हैं। आप देखेंगे किस तरीके से अभय सिंह चौटाला का जो हेलीकॉप्टर है वो हेलीपैड पर पूरी तरीके से पधार चुका है। ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। फिरोजपुर झिरका से इनेलो प्रत्याशी हबीब हवननगर की जनसभा को संबोधित करने के लिए आज मांडीखेड़ा में इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला पहुंचे। सबसे पहले हेलीकॉप्टर से हेलीपैड पर उतरे, उसके बाद में अपने रोड शो के साथ में मांडीखेड़ा में लगे पंडाल में जनसभा को संबोधित करने के लिए प्रस्थान किए। इस दौरान जैसे ही मांडीखेड़ा पहुंचे वैसे ही फूल मालाओं से इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला का जबरदस्त तरीके से स्वागत किया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि कई घंटे तक इलाके की जनता ने अभय सिंह चौटाला का बड़ी ही बेसब्री के साथ इंतजार किया और जैसे ही अभय सिंह चौटाला जनसभा में पहुंचे वैसे ही अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद के नारे लगाए गए। अभय सिंह चौटाला ने मंच से लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले समय में एनएलओ और बसपा के गठबंधन की सरकार बनने वाली है। जैसे ही सरकार हमारी बनेगी वैसे ही जो मेवात के मुद्दे हैं उन पर तेजी के साथ काम किया जाएगा, चाहे शिक्षा की बात की जाए, स्वास्थ्य की बात की जाए या फिर टूटी फूटी सड़कों की मरम्मत की बात की जाए। वहीं इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इलाके की जनता के बीच में जुनून और जज्बा अभय सिंह चौटाला को देखने के लिए और सुनने के लिए बना हुआ है। इन तस्वीरों में आप देखेंगे किस तरीके से हबीब हवननगर की इस जनसभा में आज जन सैलाब उमड़ गया। आइए एक नजर डालते हैं इन तस्वीरों पर। और मेरी सभी साथियों से अपील है कि अपना कुर्सियों पे बैठ जाए। आपसे जिसका आपको काफी समय से इंतजार था, आपके नेता आपके बीच आ चुके हैं। भाई भाई आकाश आनंद जी।